Hello students, welcome to my YouTube channel. We shall discuss square and multiplication of 2 and 3 digit numbers by lines and dot method. 2 digit ka square nikalne ke liye hum sabse pehle horizontal lines, tens and unit digit ki khichenge. To 4 hamari ye ho gayi lines, 10 digit ki aur 3 ho gayi hamari unit digit ki. स्टेप सेकंड में 4 टेंस डिजिट की वर्टिकल लाइंस एंड 3 ऑफ यूनिट डिजिट की वर्टिकल लाइंस हो गई हमारी. स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स बाय लाइंस एंड डॉट्स मेथड. तो हमें 43 का होल स्क्वायर निकालना है. तो 4 टेंस डिजिट एंड 3 यूनिट डिजिट, तो इनकी 4 यूनिट डिजिट की लाइन खींचेंगे और 3 हम हॉरिजॉन्टल लाइंस यूनिट डिजिट की का. इन द सेम वे 4 टेंस एंड यूनिट 3 डिजिट की हम वर्टिकल लाइंस खींचेंगे. इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को काउंट करेंगे तो ये 4 4 जा 16, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12. इनको डायगोनली हम सम अप करेंगे तो 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 24. अब हम देखेंगे कि कैरी ओवर किसके पास है. हाँ, 24 के पास 2 कैरी ओवर है, वो किसके पास जाएगा, 16 के पास. तो 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18. तो सेम ये मेथड वही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ठीक है, तो अब हम यूनिट स्क्वायर की वैल्यू 9 लिखेंगे, 2ab की जो वैल्यू है यहाँ 4 लिखेंगे, और चूंकि 2 ये कैरी ओवर में ऊपर चला गया था तो यहाँ हम वैल्यू 18 आ जाएगी. तो 43 के होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1849. इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं. तो यूनिट स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी यूनिट प्लेस पे 9, फिर 2ab की वैल्यू कितनी है 24, तो टेंस प्लेस पर हम कितना लिखेंगे 24. और टेंस डिजिट के होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16, तो 100 प्लेस पे लिखेंगे इसको हम, और अब हम इसको सम अप कर देंगे. तो 9, 4, 8 एंड 1 मीन्स 1849. मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स बाय लाइंस एंड डॉट्स मेथड. जिस तरह हम 2 डिजिट का स्क्वायर करते थे, सेम उसी तरह ही 2 डिजिट का हम मल्टीप्लीकेशन भी करते हैं. तो टेंस डिजिट एंड यूनिट डिजिट की हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचेंगे 5 एंड 4, फिर 4 एंड 4 टेंस प्लेस एंड यूनिट डिजिट की हम वर्टिकल 4 लाइंस और ये यूनिट डिजिट की खींचेंगे. ठीक है, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट नोट करेंगे 20, 20, 16 एंड 16. अब इनका हम डायगोनली सम अप करेंगे तो 20 प्लस 16 इज इक्वल टू 36. और अब हम देखेंगे कैरी ओवर किसके पास है, 16 के पास है, 1 कैरी ओवर है, तो ये 36 के पास चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 37. 37 का जो 3 है वो कैरी ओवर किसके पास जाएगा, 20 डॉट्स के पास. तो 20 प्लस 3 इज इक्वल टू 23. अब हम वैल्यू लिखेंगे 54 मल्टीप्लाइड बाई 44 इज इक्वल टू 6, 7 एंड 23 मीन्स 2376. स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स बाय लाइंस एंड डॉट्स मेथड. तो 132 का हमने होल स्क्वायर निकालना है. तो 100 टेंस और यूनिट डिजिट की हम हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचेंगे 1, 3 एंड 2. इन द सेम वे 100 टेंस और 2 की हम
वर्टिकल लाइन खींचेंगे 1, 3 एंड 2। अब इनके इंटरसेक्शन पॉइंट जो है उन्हें नोटिस करेंगे 1, 3, 2, 6, 4, 6, 2, 3। ठीक है, अब इनको डायगोनली सम अप कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 + 3 = 6, 2 + 9 + 2 = 13, 3 + 3 = 6। अब ये देखेंगे कि कैरी ओवर किसके पास है। हाँ, 12 के पास 1 कैरी ओवर जा सकता है, किसके पास जाएगा 13 के पास, 13 + 1 = 14। 14 का 1 कैरी ओवर 6 के पास जाएगा तो 6 + 1 = 7। अब हम 132 स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे तो कितनी आएगी 4, 2, 4, 7 and 1 means 17,424। इस सम को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। ये यूनिट का स्क्वायर था तो इसको यूनिट प्लेस पे लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 4। ये कितना है 12। 12 को हम टेंस प्लेस में वैल्यू पुट करेंगे। इसके बाद 13 है जो ओरिजिनल वैल्यू है, 13 को हम 100 प्लेस पे लिखेंगे। फिर ये कितना है 6, 6 को कहां लिखेंगे हम 1000 प्लेस पर। और ये चूंकि 100 का स्क्वायर है तो इसको हम कहां लिखेंगे 10,000 प्लेस पर। अब हम इनको सम अप कर लेंगे तो 4, 2, 4, 7, 1 मीन्स 132 के होल स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 17,424। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3-डिजिट नंबर्स बाय लाइंस एंड डॉट्स मेथड। तो 213 मल्टीप्लाइड बाय 234, 100 टेंस और यूनिट डिजिट की हम हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचेंगे 2, 1 एंड 3। इन द सेम वे 100 टेंस और यूनिट डिजिट की हम वर्टिकल लाइंस 2, 3 एंड 4 ड्रॉ करेंगे। अब इनके इंटरसेक्शन जो पॉइंट है उनको नोटिस करेंगे 4, 6, 8, 4, 12, 9, 6, 2। अब इनको हम डायगोनली जो डॉट्स हैं इंटरसेक्शन पॉइंट है उन्हें सम अप करेंगे तो 4 + 9 = 13, 8 + 3 + 6 = 17, 6 + 2 = 8। अब हम ये देखेंगे कि किसके पास कैरी ओवर है। 12 है तो इसके पास 1 कैरी ओवर होके 13 के पास चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 13 + 1 = 14। 14 का 1 जो है कैरी ओवर होके 17 के पास जाएगा तो 17 + 1 = 18। 18 का 1 कैरी ओवर 8 के पास जाएगा तो 8 + 1 = 9। अब हम वैल्यू लिखेंगे 2, 4, 8, 9 एंड 4। तो 213 × 234 = 49,842। 3-डिजिट का हमने मल्टीप्लिकेशन निकालना है तो इसमें क्या है कि 0 भी एक डिजिट है। ठीक है, तो 0 जिसमें होता है तो उसमें हम रेड लाइन खींच लेते हैं और उसकी वैल्यू 0 का लिख देते हैं। सेम 3-डिजिट के मल्टीप्लिकेशन की तरह ही है। इंटरसेक्शन पॉइंट नोट करते हैं 6, 12, 3, 0, 2, 8, 4 और 6। ठीक है, अब इनको डायगोनली हम सम अप कर लेते हैं 3, 0, 4 = 7, 12
प्लस 0 इज इक्वल टू 12। और देखते हैं अब इसके बाद कि कैरी ओवर किसके पास है, 12। 12 का जो 1 है वो कैरी ओवर 6 के पास जाएगा, तो 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब हम 302 मल्टीप्लाइड बाय 241 की वैल्यू लिखते हैं। 2, 8, 7, 2 and 7 means 72,782. Do not forget to like, share and subscribe. Please view our video 3e onward related to 3-digit square by cross multiplications of numbers.